जो भगवंत मान की सरकार ने आम आदमी पार्टी को जब भरोसा दिखाया था पंजाब की जनता ने, तो वादा किया था कि ये बस अड्डे खुलवाएंगे, यहाँ पे बसेस चलाएंगे। इन्होंने यहाँ का बस अड्डा बंद करवा दिया। शुरू में कुछ 4-5 बसेस खुलवाई गई थी, आज ये हाल है कि बस अड्डा बंद है, इसमें ताला लगा हुआ है जैसा कि हमने आपको दिखाया। आइए कुछ लोग और से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके बिजनेस को क्या असर पड़ा है। तो कब से बस बंद हुआ है ये बस अड्डा? साल भर होने वाला है। लोग खिलाफ है, झाड़ू से बस स्टैंड चला गया, बेरोजगार हो सब। आपकी सरकार आई है और ये बस स्टैंड बंद हुआ है, तब से आप कह रहे हो बिजनेस कम पड़ा है, इससे पहले कभी कोई बिजनेस में असर पड़ा या यही आप? जब से 1955 में यहाँ आया था, उसके बाद मैंने ऐसे हालत कभी देखे नहीं। बस काम काज में देखो जी बहुत फर्क पड़ा है, मतलब हम लोग जितना काम था पहले उतना अब काम नहीं रह गया। कब से हो रहा है ये सब? ये मतलब जब से बस स्टैंड गया तब से। और बस स्टैंड जाके कितना टाइम हो गया? हो गया तो 8-9 महीना तो हो ही गया। क्या लगता है आपको इस वजह से इलेक्शन में फर्क पड़ेगा कि इन्होंने? पूरा बिल्कुल ही नहीं आएगा झाड़ू वाला, तो झाड़ू वाला नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब यही इसी कारण? हाँ इसी कारण है जी। तो वो सीएम ठीक नहीं है? ना बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा। बताओ पता लग जाएगा, उसका पत्ता ही साफ हो जाएगा इस बार लोकसभा में, पत्ता साफ हो जाएगा झाड़ू का? हाँ हाँ इसमें हो जाएगा। और जो स्टेट का इलेक्शन होगा उसमें भी हो जाएगा? उसमें भी हो जाएगा। हाँ ये तो एक हवा थी, अगला जीत गया बस। अच्छा, तो हवा खत्म अभी? खत्म।